उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में वैलेंटाइन डे पर एक सिरफिर आशिक ने खेली खून की होली। तिलुकुआ कोतवाली क्षेत्र के पुटासनपुर गांव में एक सिरफिर आशिक ने प्यार में पागल होकर आज युवती को मिलने बुलाया था। युवती ने मिलने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि सिरफिर आशिक कई दिनों से युवती के घर आने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते परिजनों ने कई बार उसको घर न आने को बोला था, लेकिन आज उसने सारी हदों को पार कर दी। युवती पास की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी, रास्ते में उसे युवक मिल गया। उसने युवती को अपने साथ चलने के लिए कहा तो युवती ने इनकार कर दिया। युवती के इनकार करने पर आरोपी ने तमंचा निकाला और वहीं पर उसे गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवती जमीन पर गिर गई और आरोपी वहां से भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुन दिया और मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से युवती को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं आरोपी युवक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट। लड़की सामान लेने गई थी दुकान पर, उम्र सुहाती हुई, मैं गोली मार दिया उसमें दो। किसने मारी थी? सागर नाम ने। बताया कोई झगड़ा? कोई कुछ नहीं झगड़ा, कोई कुछ बात नहीं। वो बस दो तीन दिन पहले यहाँ आएगा, उसको मैंने करी वही हाँ बताकर, ऐसे से कुछ बात ना। वो उसने आई, अब सामान लेने गई थी दुकान पर सवेरे सुबह, तो उसे पकड़ लिया है? कैसे उसे पकड़ लिया गया? अच्छा ये बताइए क्या हुआ था? छः महीने से मेरी वापस सेट हुई, पहले छूट छोड़ दिया है उसने 4 साल पहले, अब उसने फिर सेटिंग करी। वो पहले भी मेरे को तुमसे बात करनी है, मैंने तुम्हें पहले छोड़ दिया लेकिन अब मैं ना छोड़ना चाहती। फिर उसके बाद में उसने फ़ोन करा, पहले एक दिन मना कर दिया, एक हफ्ते बाद फिर उसने दोबारा फ़ोन करा, मेरे को तुमसे बात करनी है। और जब से ये 6 महीने हो गया अब तक बात चलती है। अच्छा, अब घर जाने के मतलब 2 महीने पहले हम पकड़ लिए और मम्मी ने मैं पहला घर में जब भी पता लग गया तो और मैं बाहर चल गया, वो भी राजी। फिर 12 तारीख को हम बाहर जा रहे, फिर उसके बाद में मैं गया सुसाइड करने, वो पहले लगे ना मम्मी मना कर रही है, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर लिया, फिर फ़ोन आया ना मैं वापसी आ गया। मैंने वहाँ से ठीक है मेरे से एक बार बात कर लिया, मैं अब बात ना करूँ, मम्मी ने मना कर दिया। पहले 4 साल पहले हाँ, लेकिन अभी वो 6 महीने हो गए। ये पुट्ठा हुसैनपुर गांव में एक लड़के ने जो कथित थे उस महिला का प्रेमी था, उसने उसको गोली मार दी, उसको जो है अपने साथ ले जाने के लिए जिद कर रहा था, लड़की ने मना किया लेकिन मना करने पर उसको गोली मार दी। लड़की जो है सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, और ये लड़की का 4 वर्ष पूर्व बुलंदशहर गांव में बलीपुर गांव में शादी हुई थी, लेकिन ये वहाँ नहीं रह रही थी, अपने मायके में रह रही थी। इस लड़के से इसका संबंध था पिछले 1 वर्ष से, तो इसी वजह से ये इनका समझौता हुआ था अलग अलग रहने का। हालत कैसे लड़की की? लड़की अभी स्टेबल है और उसको रेफ़र किया जा रहा है दिल्ली के लिए।